मिले, इस जाति ने मुझे वोट नहीं दिया, इस जाति ने मुझे वोट दिया। लोग किस तरह अपने समय भूल जाते हैं। लोगों को पीछे मुड़ के देखना चाहिए, 15-20 साल पहले अपनी हैसियत क्या थी। कुछ समय टिकट पे अगर विधायक बन के कोई आदमी चल जाए वो बड़ा नहीं होता, क्योंकि समय का चक्र है, ये चलता रहता है। मैंने कई परिवारों को ऊंचा चढ़ते हुए देखा था और परिवारों को धूल चाटते हुए देश के प्रदेश की राजनीति के अंदर देखा है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि जो सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे या प्रशासन के बल पे अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का काम करेंगे, किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सारा काम का ठप करा दूंगा। ये मैं चेतावनी यहाँ से देने के लिए आज आपके बीच आया हूँ। जो मजबूती से आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, जाहिल का पूरा साथ है मेरे साथ। जब मैं 2014 के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ा, उस समय में भी खेवसर नागौर के बाद अगर सबसे बड़ा समर्थन मुझे मिला जाहिल विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने, जवानों ने मेरा साथ दिया, और उस संघर्ष का ही परिणाम था, आपके आशीर्वाद का परिणाम था कि लड़ते लड़ते हनुमान बेनीवाल एक विचारधारा राजस्थान के अंदर बना। मैंने दिन देखा रात, मेरी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी किसान कौम के लिए समर्पित कर दी। और जब देश के अंदर मोदी और अमित शाह के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का समय आया, तब एक तरफ देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हरियाणा यूपी दिल्ली के किसान सड़कों पर थे, वो कह रहे थे कोई तो आए हमारी मदद करे, राजस्थान के भाइयों आप आओ, तब उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। देश में मेरे समाज के 20 सांसद है, लेकिन 19 को चिंता नहीं हुई, हनुमान बेनीवाल ने चिंता की, जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया और सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ देश के अंदर हाईवे पे, सड़क पे 70 दिन देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी। भाइयों, 4 बार मैंने यहां भी सत्ता को ठोकर मारी। मैं भी केरोसिन का काम कर सकता हूँ, मैं भी डीजल का काम कर सकता हूँ, मैं भी टायरों की दुकान ले सकता हूँ, मैं भी एजेंसी पेट्रोल पंप गैस एजेंसी ले सकता हूँ, लेकिन नहीं ली मैंने। खूब जांच कराई सरकारों ने, वो सुंदर राजे जिसके नाम से लोग कांपते थे उसको भी सात समंदर पार भेजने का काम किया, तो नागौर के सांसद ने वसुंधरा को सात समंदर पार भेज दिया। और उसके बाद रही गहलोत की बात, हमसे गहलोत लड़े लेकिन जीत हमारी हुई, उसके बेटे को हरा के बावड़ा कर दिया, बुमराह आरसीए का अध्यक्ष बनकर राजस्थान। तो भाइयों, मैं कोई ये मेरा वो बखान नहीं कर रहा हूं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं लक्ष्य को प्राप्त करता हूँ, पीछा करता हूँ, और जो बात मन में बैठ जाती है जब तक वो बात पूरी नहीं होती मैं बैठता नहीं, मैं चिंता करता हूँ। मुझे चिंता थी कि जाहिल में कॉलेज खुले, खेवसर में कॉलेज खुली, जाहिल में कॉलेज खुली, इस सरकार में नहीं खुली थी कॉलेज, जाहिल में पिछली सरकार के अंदर कॉलेज खुली थी। मैंने नागौर के विधायकों को जगाया, 2008 के अंदर जब मैं विधायक बना प्रमुख साहब, एक बार मैं कलेक्टर के वहां गया था तो मैंने 3-4 विधायकों को बाहर देखा, मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोले कलेक्टर साहब को पर्ची दिए। मैंने कहा एमएलए अगर कलेक्टर को पर्ची देगा, मैंने कलेक्टर वैसे ही भाग के बाहर आ जाएगा बेचारे एमएलए के नाम से। उनकी पर्ची की व्यवस्था को भी नागौर में अगर खत्म किया हनुमान बेनीवाल ने, विधायकों का सम्मान नागौर में बनाया। और जाहिल के अंदर सबसे पहले तो मैं छात्र संघ के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सोऊ, इनकी पूरी टीम को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। और 2-2.5 घंटा देरी से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सुरेंद्र ने जिद की थी कि एमपी साहब आपको मेरे कार्यालय का उद्घाटन करना है। मैं कॉलेज प्रशासन को भी इस बात का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने छात्र संघ का पूरा सहयोग किया। निश्चित रूप से छात्र संघ और कॉलेज प्रशासन अगर मिलकर काम करता है तो छात्र हितों के पक्ष में कई फैसले लिए जा सकते हैं। मिलकर काम करें तो कॉलेज के विकास के साथ साथ एक नई पीढ़ी का विकास भी
मजबूती के साथ हो सकता है। इस इलाके के अंदर अगर शिक्षा की जो जगाई होती तो नागौर जाहिल खींवसर के इलाके पूरे देश और प्रदेश के अंदर अव्वल आ जाते। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे नेताओं ने ध्यान नहीं दिया और ये हम सब लोगों के संघर्ष का ही परिणाम है कि नागौर में पिछले 10 साल के अंदर शायद 15 से 20 नए कॉलेज खुले। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। सरकारी महाविद्यालय के अंदर सबसे बड़ा फायदा जो है वो हमारी बहन बेटियां जो कॉलेज के अभाव के अंदर 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कॉलेज जाने में बड़ी दिक्कत होती है, रहने की दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हमारी बालिकाओं को हुआ। और आज खुशी की बात यह है कि नागौर के बालक बालिका किसी भी फील्ड के अंदर पीछे नहीं है, हर चीज में आगे। राजनीति के अंदर भी देश में नागौर का डंका बज रहा है, ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हो। और तेजाजी महाराज का जयकारा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मजबूती के साथ आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों के अंदर वीर तेजाजी के जयकारे के साथ किसान के बेटे इस राजनीति को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ मंच पे हमारे जिला प्रमुख बागरी जी चौधरी विराजमान है। प्रमुख साहब को मैंने हमेशा देखा, बहुत चिंता करते हैं बच्चों की, नावा के उस इलाके से आते हैं जहां राजस्थान की समानांतर सरकार नावा के अंदर चलती है। इस जिले के अंदर अगर सबसे ज्यादा तकलीफ के अंदर कोई है तो नावा और जाहिल का किसान और जवान सरकार के शोषण का शिकार हो रहा है। यहाँ का कर्मचारी परेशान है, नावा और जाहिल का जवान परेशान है। भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ इलाका। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत रखें, 2-3 महीने का समय भी निकल जाएगा और पाई पाई भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब आने वाले समय में चुकता करेंगे, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूं। हमने कभी ओछी राजनीति नहीं की। सांसद के तौर पे पूरे देश के अंदर सांसद निधि का बंटवारा हो या इस संसदीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई काम की बात हो, मैंने कभी ये नहीं पूछा किस इलाके में मुझे वोट कम मिले,